बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आज का मैं एक बिंदु पर विचार कर रहा हूँ कि श्रावण महीना जो हमारे भोलेनाथ के निमित्त रहता है ये सब लोग जानते हैं, किंतु क्यों भगवान शिव की पूजा करते हैं, श्रावण महीने की परिभाषा हमारे ज्योतिष में क्यों नाम रखा गया। यद्यपि हर महीने के नाम का एक रहस्य होता है कि कौन से महीने का नाम क्यों रखा जाता है। श्रवण नाम का एक नक्षत्र होता है जो कि हमारे 27 नक्षत्रों में उनकी 24वीं गणना होती है। उस श्रवण नक्षत्र पूर्णमासी को जब आता है तो कहलाता है श्रावण, उसे हम कहते हैं श्रावणी पर्व, उसे हम कहते हैं रक्षाबंधन। तो श्रावणी पर्व के दिन हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए, श्रावण महीने का क्या महत्व हमारे जीवन में, क्या करना चाहिए, क्या करने से हमें सफलताएं प्राप्त होती हैं, 2023 में कब शुरू हो रहा है श्रावण, क्या विशेषता है सन 2023 के श्रावण में, ये सब वार्ता मैं आपको पृथक पृथक करके बताने जा रहा हूँ। उससे पूर्व मैं चाहता हूँ यदि आप हमारे नए हैं वीडियो पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें और ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स आपको बनता ही है, अन्य जो हम आपके बारे में वैदिक एवं विविध प्रकार के उपयोगी फॉर्मूले आपको बताते रहते हैं। तो आओ हम चर्चा करते हैं जो हमारा विषय चल रहा था श्रावण मास। श्रावण मास में जैसा मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि श्रवण नक्षत्र पूर्णमासी पर आने के कारण श्रवण मास की रचना हुई है और हमारे श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा का होता है, चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर विराजमान होता है। तो श्रावण मास में जो करते हैं साधना उन्हें प्राप्त होते हैं जीवन में यश, उज्ज्वलता, श्रेष्ठता, सफलता, और तो और जो हमारे जीवन में कुछ छोटे बड़े पाप हर इंसान से होते हैं, क्यों मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। ऐसे अवसर पर जब अनजाने में कोई पाप हो जाता है, मैं ये नहीं प्रमाण पत्र दे रहा हूँ आपको कि पहले पाप करो फिर श्रावण महीने का इंतजार करो, जब अनजाने में कोई पाप हो जाते हैं जिन्हें हम जान नहीं पाते, श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की उपासना करने से निश्चित तौर पर आपके सभी पाप तो नष्ट हो जाते हैं और आपके जितने भी अधूरे काम हैं वो भी बन जाते हैं। भगवान शिवजी पर नित्य जल चढ़ाएं और 11, 21, 51, 108 जितना हो सकता है बेलपत्र चढ़ाएं, क्योंकि लिखा है कि त्रिफलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारो मेष विल्व शिवार्पण हो। हमारे वैदिक संस्कृति में लिखा है कि 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं एकमात्र बेलपत्र भगवान भोलेनाथ पर अर्पण करने से। साथ में आप, हम तो 1 ही साल की गारंटी दे रहे हैं, 3 जन्म की गारंटी हमारे ग्रंथों में दे रहे हैं, लेकिन इसका आप अनर्थ ना करना कि पाप करेंगे और भगवान शिव की पूजा करेंगे। एक समय का भोजन करने का व्रत वो लोग लें जो स्वस्थ हैं, जिन्हें किसी प्रकार की डायबिटीज आदि की बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं कि व्रत के चक्कर में आपका शुगर लो हो जाए और लेने के देने पड़ जाएं, व्रत करो अच्छी बात है यदि आपके शरीर की कैपेसिटी है तो, नहीं तो हमारे भागवत में लिखा है कि नोपकासम ब्रह्मण्य यथा विघ्न करो कथा, लिखा है कि ऐसे व्रतों को हमें केवल मन से सम्मान कर ले जो हमारे जीवन में स्वास्थ्य में या पूजा में या हमारे दैनिक दिनचर्या में बाधा डालते हैं। व्रत करना है अवश्य, किसी की बुराई ना करें एक व्रत लें, हमें कोई बुरा कर्म पूरे श्रावण महीने में ना करें ये व्रत लें। भोजन में अगर फलाहार से ले सकते हो अच्छी बात है, एक टाइम आहार लेके ले सकते हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन भगवान की सेवा करें अवश्य। उसमें वैसे किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हो। एक बार मैंने पहले बताया तो फिर से आपको मैं बताना चाहता हूँ, श्रावण महीने में बेलपत्र भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने का तो अनुपम फल है, लेकिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे यदि आप श्री सूक्तम पुरुष सूक्तम का पाठ करते हो श्रावण मास में विशेष तौर से, तो आपके घर में लक्ष्मी अखंड रूप से निवास करेगी, जाएगी नहीं कभी। सन 2023 में आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं, हमेशा महीना एक होता है यानी लगभग 30 दिन का महीना होता है। इस बार कुछ संयोग इस प्रकार के बन रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास भी श्रावण मास में, तो ओहो
यानी सुगंधि सोना और उसमें सुगंधि का वास हो गया तो कहना ही क्या है। तो अतः ये श्रावण मास हमारा इस बार जो लगने जा रहा है, 4 जुलाई से श्रावण मास लगेगा और ये 17 जुलाई तक हमारा रहेगा शुद्ध मास। उसके बाद 18 जुलाई से और शुरू हो जाएगा हमारा पुरुषोत्तम मास जो चलेगा ये हमारा 16 अगस्त तक। 16 अगस्त से फिर हमारा शुद्ध मास शुरू हो जाएगा जो चलेगा 31 अगस्त तक। इसका मैं आपको स्पष्टीकरण कर रहा हूँ कि पहले 15 दिन शुद्ध महीने होते हैं जिसमें जो हमारे व्रत पर्व त्यौहार हैं विशेष माने जाते हैं, हरियाली तीज इत्यादि जो हैं वो शुक्ल पक्ष में मानी जाती हैं, कृष्ण पक्ष के जो भी त्यौहार हैं हरियाली अमावस्या वो पहले पक्ष में होंगी। बीच के दोनों पक्ष मिला के शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष मिला के पुरुषोत्तम महीना हो जाएगा और लास्ट के जो आपके 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक का जो समय है वो आपके शुद्ध मास कहलाएगा। तो इस पूरे महीने में आप बिल्कुल ना भूलें भगवान भोलेनाथ की सेवा करना एवं माँ लक्ष्मी की साधना करना। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है जो हर साल मैं प्राय आपको सावधान करता हूँ और बताता भी हूँ। एक इतना अद्भुत प्रयोग है जो कहते हैं कि घर के खीर खाएं और देवता भला माने, वो कौन सा प्रयोग है? श्रावण मास में नित्य प्रति खीर बनाओ, चावल की एकादशी हो तो सामक की या साबूदाने की या जो आपको पसंद हो वो बनाएं, नित्य अपने ठाकुर जी का भोग लगाएं और जैसी आपकी स्वास्थ्य की अनुमति है कम चीनी का ज़्यादा चीनी का या फीका या शुगर फ्री के साथ में उसको बना सकते हो। एक महीने नियमित चाहे एक चम्मच खाओ चाहे पेट भर के खाओ, जितना तुम्हारा स्वास्थ्य अलाउ करता है उतना खाओ और देखें साल भर पुरानी 5 साल की बैलेंस शीट चेक कर लेना और आने वाली वर्ष की बैलेंस शीट चेक कर लेना, आपके घर में धन धान्य लक्ष्मी बढ़ेगी अर्थात लगातार 2 महीने घर में खीर बने, भगवान का भोग लगे, सभी घर वाले थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वरूप जरूर खाएं तो बढ़ेगी आपके घर में धन धान्य की वृद्धि। अब बीच में जो रोज़ नहीं खा सकते बहुत सी ट्रैवलिंग करने वाले हैं उनको मैं राय देता हूँ श्रावण महीने में साधुओं का गरीबों का ब्राह्मणों का ऐसा कोई भंडारा करें जिसमें खीर का सेवन हो अथवा चीनी चावल दूध का दान करें तो भी आपको फल मिलेगा खीर के तुल्य। और तो और श्रावण महीने में अपने मंत्र साधना गुरु मंत्र की साधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र की साधना करें, महामृत्युंजय मंत्र जो मार्कंडेय द्वारा विरचित है उस महामृत्युंजय की शक्ति में इतनी शक्ति है कि जितने भी आपके आदि व्याधि हैं वो स्वतः ही आपके दूर हो जाएंगे। अतः करें जो भी आपको उचित लगता है इन समस्त साधनाओं में श्रावण महीने में साधना करें और बताएं कि आपको कितना अच्छा लगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।